हेलो एवरीवन, आज निफ्टी और बैंक निफ्टी लेवल्स कल के लिए क्या होगा उसको थोड़ा डिस्कस करेंगे। सबसे पहले वर्ल्ड मार्केट्स सभी बुलिश है, आज देख सकते हैं ऑल टाइम हाई में चल रहा है वर्ल्ड मार्केट्स। सो जनरली वर्ल्ड मार्केट्स बुलिश है। अगर हम इंडिया विक्स के ऊपर आए, इंडिया विक्स जो है 13.3 से ऊपर चला गया है, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं और थोड़ा सा बेरिशनेस मार्केट में उम्मीद कर सकते हैं। गिफ्ट निफ्टी के ऊपर आए, गिफ्ट निफ्टी आज की डेट पे 93 पॉइंट्स दिखा रहा है, डाउन टिक। सो 93 पॉइंट्स मतलब निफ्टी जो है 24,660 की करीब आएगा, और बैंक निफ्टी जो है अकॉर्डिंगली 51,000 के करीब ओपन हो सकता है। अभी इंडेक्स हैवी वेट्स को देखेंगे। इंडेक्स हैवी वेट्स बैंक निफ्टी बेरिश हो गया है, लेकिन वो 21 डे मूविंग एवरेज और 50 डे मूविंग एवरेज के बीच में मूवमेंट कर रहा है। कल HDFC बैंक का रिजल्ट है पोस्ट मार्केट आवर्स, सो वो ये वॉलेटाइल रहने का पूरा संभावना है। तो रिज़ल्ट के बाद ही वो डाउन मूव करेगा, अप मूव करेगा, हम असर्टेन कर सकता है। ICICI बैंक जैसे हमने कल बताया था 1260 और 1200 के बीच में वो मूवमेंट कर रहा है। 1200 बहुत ही सॉलिड सपोर्ट है। जब तक ये 1260 1200 अच्छा सपोर्ट है, 1260 को जब तक ब्रेक नहीं करेगा हमको अपवर्ड मूवमेंट नहीं मिलेगा। अगर 1200 को तोड़ दिया तो हमको और जो है 1100 150 तक आपको मूवमेंट मिल सकता है। रिलायंस अभी भी बेरिश है, ये जो है थोड़ा सा 14 डे मूविंग एवरेज की तरफ मूवमेंट कर रहा है, लेकिन एज़ पर द ADX अभी भी बेरिश है। सो हम ज़्यादा कुछ रिलायंस से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं निफ्टी को सपोर्ट करने के लिए। इन्फी जो है आज रिज़ल्ट लेके आया, लेकिन पोस्ट मार्केट रिपोर्ट पे आज 2.5% ऊपर है इन्फी, लेकिन कल देखना है क्या करेंगे इन्फी। बजाज ऑटो भी अच्छा रिज़ल्ट आए थे, लेकिन आज जो है बजाज ऑटो जो है 12% डाउन हो गया है। तो निफ्टी भी क्या कर इन्फी भी क्या करेगा कल हमको पता चलेगा। अभी निफ्टी का लेवल्स देखेंगे, कल का निफ्टी का लेवल्स क्या हो सकता है। अगर निफ्टी 24,832 और 24,667 दैट इज़ 24,667 के बीच में खुलेंगे, तो कोई भी रैली जो 24,830 की तरफ जो जाएगा मैं उसको सेल करूँगा। मैं अगर निफ्टी जो है 24,832 के ऊपर खुलेगा, जो भी रैली होगा 24,900 और कुछ भी वीकनेस मुझे दिखेंगे तो उधर से मैं कॉल सेल करना शुरू कर दूंगा। अगर निफ्टी 24,666 के नीचे खुलेगा, तो कोई भी रैली जो है 24,700 टू 24,750 की तरफ जाएंगे तो मैं कोशिश करूंगा कॉल सेल करने का। अभी बैंक निफ्टी पे आएंगे। बैंक निफ्टी अगर 51,530 और 51,000 के बीच में खुलेंगे, तो कोई भी रैली 51,400 की तरफ जो होंगे उसको मैं सेल करूँगा। अगर निफ्टी 51,535 के ऊपर खुलेंगे, कोई भी कंसोलिडेशन 51,600 और 51,480 के बीच में होके अगर डिसाइसिवली 51,400 ब्रेक करेंगे, मैं सेल करूँगा बैंक निफ्टी को। अगर बैंक निफ्टी 51,045 के नीचे खुलेंगे, कोई भी रैली जो है 51,250 की तरफ होएंगे, मैं कोशिश करूँगा कॉल सेल करने के लिए। बट मैं बहुत ही केयरफुल रहूँगा ताकि 51,045 बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट है। अगर इधर से अगर मार्केट पलटने के दैट इज़ बैंक निफ्टी पलटने की कोशिश करेंगे, सीधा हमको रैली मिल सकता है 51,500 तक। तो बैंक निफ्टी थोड़ा सा हमको केयरफुल रहना ज़रूरी है,
लेकिन बैंक निफ्टी ओपन होते ही 51,447 के नीचे ही थोड़ा मूवमेंट करने लगेगा, दैट इज़ 51,200 और 51,000 के बीच में कंसोलिडेट करके फिर वो 51,000 ब्रेक करेंगे, फिर हम देख सकते हैं कि फर्दर डाउनसाइड हमको मिल पाएंगे। ये है निफ्टी और बैंक निफ्टी का लेवल्स कल के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ आपके लिए बहुत अच्छा ट्रेडिंग रहेगा। थैंक यू वेरी मच।